एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पेज नंबर 169 पुरानी एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर है 4.8 मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जेई में, नीट में और हमारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सभी लोग देखेंगे सुनेंगे और नोट कर लेंगे। एक क्लोजली बाउंड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग। क्वेश्चन को समझना ही हल हो जाना। 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग, फाइव लेयर्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ 400 टन ईच, 400 टन ईच है और कितनी लेयर है, 5 लेयर। ठीक, चलो। एक क्लोजली बाउंड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग ऑफ 400 टन ईच। द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर। डायमीटर का सोलेनाइड का डायमीटर भी दिया गया है। द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनसाइड द सोलेनाइड नियर इट्स सेंटर। डेरिवेशन में जब हमने एम्पियर क्लास डिराइव करवाया था तो क्या कराया था, सेंटर के नजदीक बताया था ना। बोलो, सेंटर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। अगर सेंटर से हम दूर जाते हैं, इंड पर जाते हैं, इंड पर मैग्नेटिक फील्ड का आधा पाया जाता है। ठीक, यहां पर क्या क्वेश्चन है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो यह क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर कितनी लेयर है, 5 लेयर है। का मतलब है कि इस पर इस तरह की ऐसे सिलेंडर रहता है, इसे कॉइल लपेटी जाती है, तो कितनी लेयर लपेटी है, 5 लेयर, और हर लेयर में 400 टन है। हर लेयर में एक लेयर 400, एक लेयर 400, एक लेयर 400, इसी को बोलते हैं लपेटी। कुल कितने टन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टन कितने हो जाएंगे, घंटा जाए इनको घंटे टोटल नंबर ऑफ टन, तो 400 × 5 बराबर, ठीक है ना, कितने टन्स हो जाएंगे, टोटल टन्स हो गए। लेकिन आपको एन निकालना होता है, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टन अपॉन लेंथ। तो 2000 × 10⁻², ये तो होगा, ये तो हमने निकाल लिया। द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है ये 1.8 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया गया और लंबाई कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर। ये केवल ये बताने का प्रयास है कि लंबाई बहुत ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में लॉन्ग सोलेनाइड मानी जा सकती है कि नहीं मानी जा सकती, मानी जा सकती। और तब इसके मिडिल में, इसके मिडिल पॉइंट पर, मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट, ये ना ये तो हमने यहां से निकाल लिया। म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻², यहां डायमीटर का रेडियस का कोई काम नहीं है, बस लॉन्ग दिखाने के लिए था। यानी कितना है, 2000 × 10⁻², आई कितना है, कितनी करंट चल रही है, करंट इसमें 8 एम्पीयर दी गई थी, 8 एम्पीयर रखते हैं और जो आता है निकाल। अब ये तुम्हारे पास एक चेंजर है ना, और 4π 12.56 होता है ना, बोलो 12.56 × 2 1 0 से, चलो सारी चीजें एडजस्ट करना है, बस 12.56 हो गया, 2 10 की
4.8 का क्या आंसर दिया है? ये दिए 8π × 10⁻³ टेस्ला, जो कि लगभग बराबर है इसके 2.5 × 10⁻² टेस्ला। ठीक, तो आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।